गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आप सबने बोला था कि सर पॉडकास्ट लाइए, कल पॉडकास्ट लाया। होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। अब ये बताइए कि आगे आपको जो पॉडकास्ट चाहिए वो किस प्रोफाइल के लोगों के साथ चाहिए, यानी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के साथ पॉडकास्ट लाऊं कि बीम के इंजीनियर, बीम मॉड्यूलर, बीम कोऑर्डिनेटर, बीम मैनेजर या फिर सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, किस प्रोफाइल के लिए आपको चाहिए कि सर इस पर पॉडकास्ट लाइए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की जो ओपनिंग्स है बहुत मजेदार है, थोड़ी बल्क ओपनिंग्स है, तो चलिए बल्क ओपनिंग्स को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग का जहां भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी मिसिंग, ठीक है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट कि मैं आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी कुछ गाइडेंस दे सकूं अगर मेरे हाथ में कुछ रहा तो। चलिए बात करते हैं आज का जो ओपनिंग्स है ये बीम मॉड्यूलर के लिए चाहिए, ठीक है, इनको बीम मॉड्यूलर चाहिए। आज ही मार्केट एक काफी नेम पॉपुलर नेम है, हमारे कई ढेर सारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर जॉब करते हैं। तो अगर आप बीआईएम में देखना चाहते हैं, शिवाजी नगर के पास इनकी कंपनी है पुणे में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनके यहाँ पर। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस वो आप सबके लिए है, इको इन्विसेस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बी मार्केट की नई कंपनी है। और इनको जो लाइक सैलरी है आप देख सकते हैं सामने है, इनके यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डे शीट इनको चाहिए, इसका मतलब है कि इनको एमएनसी है ये, तो इनको हर प्रोफाइल मतलब सिर्फ फ्लेक्सिबल जॉब वाले बंदे चाहिए, दिन की जॉब है इनकी। नेक्स्ट जो जॉब ओपनिंग से गाइस हुआ है बिल्ड सॉरी नागपुर के लिए है, बिल्ड डेल्टी बीडीसी करके कंपनी है। और ये कंपनी में इनको क्या बोलते हैं, ये फ्रीलांसिंग कर जैसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, मुझे ऐसा समझ आया। और ये वर्क फ्रॉम होम भी देना चाहेंगे जरूर, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आपके लैपटॉप का रैम वगैरह कितना है ये भी मेंशन करना है, तो देयर आर बिग चांसेस कि ये वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अप्लाई कर दीजिए। इनको रैबिट चाहिए, स्केचअप चाहिए, आता ही होगा आप सबको, और स्कैन टू रैबिट अगर आपको आता है और अच्छी बात है, ऑटो कैड चाहिए आता ही होगा, नेविस वर्क चाहिए, मतलब बहुत ईजी ईजी चीजें चाहिए। अगर नहीं है थोड़ा बहुत पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पे नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरे यूनिवर्सिटी लैब में तो पूरा इसका सीरीज ही है, ठीक है, बीआईएम का कंप्लीट 200 घंटे का कंटेंट है, पढ़ के सब खत्म कर डालो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ओपनिंग कौन सी है। नेक्स्ट ओपनिंग है गाइस बीआईएम एमबीपी मैनेजर की है, वन क्लिक, ये भी नागपुर की कंपनी है, वन क्लिक में है। यहाँ पर इनको बी मैनेजर के प्रोफाइल के लिए बंदा चाहिए, और ठीक ठाक पैकेज भी दे रहे हैं ये मान के चलिए। अब देखिए इन्होंने दिया हुआ 2.427 लाख, मतलब इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि 7 लाख का पैकेज तो ये देंगे उनके लिए जो 5 साल 3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अब फ्रेशर्स अगर इनको चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है ये तो 2.4 का पैकेज देंगे। तो आप बिना ये सोचे कि पता नहीं मेरा किस प्रोफाइल में होगा, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप्लाई करते समय इनके यहाँ हर प्रोफाइल की जॉब रहती है, हो सकता है उस प्रोफाइल के रिलेवेंट ना हो, मॉड्यूलर के लिए हायर कर ले, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कंपनी है इनको बीम इंटर्न चाहिए। अब इंटर्न का नाम आते ही समझ जाइएगा कि आपको बहुत कम सैलरी पर ये हायर करेंगे, आपको सिखाएंगे और आपसे काम भी लेंगे, स्वाभाविक सी बात है, एस्ट्रल इन्फॉर्मेटिक कंपनी है। और इंटरव्यू इनका टफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6,000 रुपीज अगर ये पर मंथ का स्टाइपेंड, ये स्टाइपेंड होता है, सैलरी नहीं होता है, स्टाइपेंड देंगे तो बहुत क्वालिटी कैसे दिखेंगे, ठीक है जी। इनको इस तरीके का अलग अलग शेड्यूल्स चाहिए, इसका मतलब है कि ये भी बाहर से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट लेते हैं। तो फ्रेशर्स हैं तो बिल्कुल इंटर्नशिप आप कर सकते हैं इनके यहाँ पर। मैं तो बोलूंगा हर एक फ्रेशर्स को अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि देर आर बिग चांसेस कि इसका मतलब सॉरी इनका जो जॉब होगा वो वर्क फ्रॉम होम के टाइप में ज्यादा हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है वो ओपनिंग्स है बी मॉड्यूलर के लिए, ए कोविस कंसल्टिंग प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम कई लोगों ने बोला था ना औरंगाबाद के लिए सर ओपनिंग्स बताइए, तो मैंने औरंगाबाद के लिए सर्च किया कि चलो यहाँ पर रेविट आर्टिस्टर चाहिए, रेविट स्ट्रक्चर चाहिए, रेविट एमईपी चाहिए, इसका नॉलेज चाहिए, 1 to 2 ईयर मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, देर आर नो डाउट। हाँ फ्रेशर्स को अपना पोर्टफोलियो जरूर से जरूर लगाना चाहिए अगर बीआईएम में जॉब करना चाह रहे हो तो, उसके बिना सीवी शॉर्टलिस्टिंग का उम्मीद कम रखिए। गैस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया क्या, लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि काफी रिसर्च करना पड़ता है, लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि 99% जेनुइन कंपनियां आपके साथ शेयर करूं, ठीक है जी, तो इसको लाइक करना आपको बनता है। वर्चुअल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस करके कंपनी है, इनको बी मॉड्यूलर चाहिए, बी मॉड्यूलर मतलब फ्रेशर्स, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर चाहिए ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, आपके पास कम भी है तो भी अप्लाई कर दीजिए। इनको नासिक में चाहिए, कहाँ पर चाहिए भाई, नासिक में। और क्या बोलते हैं, इनका ओपनिंग्स का नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ऑफिशियल टाइम में कॉल करके भी बात कर सकते हैं, नासिक वाले लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
और इसके बाद एक कैवस स्टूडियो आर्किटेक्ट करके कंपनी है, इनको बीम आर्टिस्ट और रैबिट मॉडलर की प्रोफाइल चाहिए, बस क्या टेंशन है, नासिक के लिए है तो इनको रैबिट पे जहाँ तक काम होगा इनका, और ये देखिए रैबिट पे ही काम है इनका, स्केचअप पे भी काम करते हैं तो फैमिलियर है स्केचअप से, तो इनके लिए प्लस पॉइंट है। डेमो आता है तो और अच्छी बात है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग आता है और अच्छी बात है, यही इनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी आप नीचे देख लीजिए इनकी जो सैलरी वगैरह है, एड्रेस वगैरह देख लीजिए, आपके पड़ोस में है तो फटाफट जाइए और इनको इंटरव्यू देके चले आइए। छोटी कंपनी में गए अगर डायरेक्ट भी आप गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका डायरेक्ट भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। एक्सलाइज ग्रुप ऑफ द कंपनीज नासिक की एक कंपनी है, जिनको डिप्लोमा भी चाहिए अगर है तो भी चलेगा, 2D ड्राफ्टिंग का नॉलेज चाहिए, सॉलिब्री अगर आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। AEC इंडस्ट्री यानी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज की आपकी नॉलेज है तो आप अप्लाई कर दीजिए इनके यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, उनके यहाँ पर लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, नागपुर की कंपनी है K&J प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 5 ईयर्स से 20 ईयर। अब 20 ईयर वाला तो जॉब करे तो फिर बेवकूफी होगी, तो 20 ईयर वाला तो हमारे इसमें कोई नहीं होगा, ये तो फिक्स है, आप लोगों में से कोई नहीं होगा 20 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर दीजिए इनके यहाँ पर, काफी रिक्वायरमेंट है, मतलब सैलरी अच्छी होगी क्योंकि इनकी जरूरत जो है, एक्सपेक्टेशन जो है काफी ज्यादा है। क्या है इनकी एक्सपेक्टेशन, देखिए यहाँ पर ब्रिज का काम इनके यहाँ पर है, फ्लाईओवर का काम इनके पास ज्यादा है, तो जहां तक CSI ब्रिज या फिर MX रोड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है इनके यहाँ पर, प्लस स्टेट प्रो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्टेट प्रो तो चाहिए चाहिए इनको, MS ऑफिस भी चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट टू द फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब आपको NCS आता है तो भी इनका काम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ब्रिज के लिए इनको चाहिए डेवलपिंग डिटेलिंग डिजाइनिंग, तो इनमें पक्का है कि इनको अगर आपके पास CSI ब्रिज का सॉफ्टवेयर नॉलेज है तो इन प्लस पॉइंट आपको देंगे, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कर दीजिए, अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो बल्ले बल्ले, क्योंकि पक्का है कि सैलरी अच्छी होगी इनकी, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस अगर इन्होंने क्लियर मेंशन किया मतलब सैलरी देने वाले हैं। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस, ग्लोबल आर्च टेक्नोलॉजी करके है, कई लोग सोचते हैं सर आप फ्रीलांसिंग के बारे में भी बात करें, कुछ फ्रीलांसिंग के भी टेक्निक्स बताएं तो नीचे कमेंट करना, फ्रीलांसिंग के मेरे पास बहुत ढेर सारी टेक्निक्स है, और फ्रीलांसिंग की जॉब कैसे सर्च करते हैं ये भी अगर आप कमेंट करोगे सर फ्रीलांसिंग के बारे, फ्रीलांसिंग मतलब अपना खुद का अगर करना है तो नीचे कमेंट करो कि सर थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में बताइए, तो कोशिश करूंगा एक दो वीडियो सेपरेट उनके ऊपर बनाऊंगा। चलिए कमेंट कर ही दीजिए आप कि फ्रीलांसिंग की ओपनिंग सर कैसे सर्च करेंगे, फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो एक सीरीज का मतलब इसी सीरीज में फ्रीलांसिंग को भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है जी। ग्लोबल आर्च टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, नागपुर में ये कंपनी है, इनको ब्रिज स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, ज्यादा आपसे रिलेवेंट नहीं होगा मुझे पता है, ज्यादातर तो लोग बिल्डिंग्स में काम किए होंगे, लेकिन ब्रिज में अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, ऑटो कैड स्टेट प्रो, अब ऑटो कैड स्टेट प्रो ब्रिज वाला चाहिए, ठीक है, ये ऑटो कैड स्टेट प्रो बिल्डिंग वाले से काम इनका नहीं होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर दीजिए। फ्रेशर्स ही चाहिए क्योंकि इन्होंने 15 से 25 हज़ार बोला है, तो एक्सपीरियंस वाला ज्यादा जाएगा नहीं, तो अगर आप फ्रेशर्स में भी है स्टेट प्रो का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो चले जाइए नागपुर ओपनिंग से। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइज, ये साई साई वस्त्र स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, इनको कैट डिटेलर चाहिए, टेकला में चाहिए, देखिए मैंने बोला टेकला में काफी अच्छी जॉब रहती है, ठीक है, और एज अ फ्रेशर ही चाहिए क्योंकि इनको जो सैलरी शेयर कर रहे हैं वो सैलरी में फ्रेशर्स ही डेफिनेटली मिलेंगे इनको। स्टील स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज, IS 800 का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, ब्रिजिंग सॉरी सॉरी इसका एनफोर्समेंट का अच्छा नॉलेज है कि कितने का कहाँ पर बार डालना होता है, कनेक्शंस का अच्छा नॉलेज है, सॉफ्ट ड्राइंग इरेक्शन ड्राइंग का थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, तो अगर आपके पास पढ़ाई का किया है आपने तो इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसीलिए नंबर दिया हुआ है स्पीक विद द एम्प्लॉयर्स, इस नंबर पर कॉल करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, आज बल्क ओपनिंग से, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है, अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मेरा मन है कि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में भी आपको शेयर करूं नॉलेज, लेकिन तभी करता हूं जब आप कहते हो, ठीक है, तो कहिएगा जरूर तो मैं जरूर करूंगा। जॉनी एंड रॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में, कई लोगों ने कमेंट किया था कोलकाता के लिए, तो प्लानिंग इंजीनियर की इनकी प्रोफाइल्स है, ठीक है, इनको प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, डिग्री BE BTEC जो भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इनके आप अप्लाई कर दीजिए, ये प्लानिंग इंजीनियर की प्रोफाइल है। इसके बाद है AECOM, मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, मुझे पसंद है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, इनके यहाँ BIM का भी काम है, स्ट्रक्चर का भी काम, बहुत बड़ा काम इनका, तो आप इनके आप अप्लाई कर सकते है, आपके आप एक सौ इसी बात स्ट्रक्चर इंजीनियर की इन्होंने रिक्वायरमेंट लिख रखी है, मतलब ये फिक्स है कि ये क्या बोलते हैं रिमोट लोकेशन भी है, तो मतलब ये भी हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी देने का चांस हो सकता है इनके यहाँ पर, जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसमें QA QC भी आपको आना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स, यहाँ पर देखिए इनकी रिक्वायरमेंट है RCC पर है, PT पर
रहे, ठीक है। ETFs आना चाहिए, सेफ आना चाहिए, स्टेटफ्रो आना चाहिए, रेबिट आना चाहिए, ऑटोकैड आना चाहिए। रिक्वायरमेंट लंबी है, अगर आप इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं तो आपके पास अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो और अच्छा रहेगा। रीनो ग्रासो पर अगर आपको आ रहा है, मतलब देखिए ये करना चाहते हैं कि BIM भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी कोडिंग के भी नॉलेज है तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। वैसे इतना नहीं जरूरी है कि सबके पास इतना सब कुछ हो, बट जितना है उसके बेसिस पर आप बिना किसी झिझक के देख लीजिए प्रोफाइल पे सैलरी कितनी है। 9.5 लाख से सैलरी इनकी, क्योंकि यूरोप के भी काम कर रही है, इंडिया के भी काम कर रहे हैं, मतलब बड़ा काम है इनका। तो ई कॉम वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो गाइज यहाँ पर रेविट और टेक्ला मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें इनटेक इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो इसमें ओपनिंग्स है। इनके यहाँ पर सिविल और स्ट्रक्चर्स कोर्स का प्रैक्टिस की जरूरत है, यही इनकी रिक्वायरमेंट है। 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, ठीक है। और ये इनके एचआर का डायरेक्ट मेल आईडी दिया हुआ है, बिना किसी टेंशन के तुरंत इनको कवर लेटर, रिज्यूम और पोर्टफोलियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि सर क्या बोलते हैं एक रिज्यूम टेक्ला का दिखाइएगा, सॉरी पोर्टफोलियो दिखाइए टेक्ला का कैसे बनाते हैं, तो कमेंट करिएगा। मेरे गुरुकुल वाले स्टूडेंट्स काफी ढेर सारे बनाते हैं, तो आप बोलेंगे तो मैं आपको एक दो सैंपल्स दिखा दूंगा कि कैसे टेक्ला का या फिर रेबिट स्ट्रक्चर्स का, जो इनकी ये इस प्रोफाइल के लिए मेरे जो स्टूडेंट्स टेक्ला और रेबिट का पोर्टफोलियो बनाए होंगे उनकी तुरंत शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, पक्का मान लीजिए, ठीक है। तो आपको चाहिए सैंपल्स तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो कैपस्टोन्स रेबिट स्ट्रक्चर्स मॉड्यूलर के लिए है, ये नोएडा में है, काफी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इनको 6 ईयर इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, बट जो पैकेज ये बोल रहे हैं आप देखिए इससे पकड़े जाते हैं लोग कि अगर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो स्वाभाविक सी बात है इतने सैलरी, ठीक है, मतलब कि लगभग लगभग। और इन्होंने काफी ज्यादा शेड्यूलिंग दिया हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस, PF भी कटेगा, मतलब ये एमएनसी के लेवल की कंपनी है। आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा नॉलेज है तो आप बिना किसी झिझक के इनको कॉल कर दीजिए। रिलोकेट होने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इनकी रिलोकेट मतलब आपको आना पड़ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है गाइस वो है एस्पायर लीडर्स, मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की प्रोफाइल है, ठीक है। इनके यहाँ पर जो ओपनिंग्स है वो क्या बोलते हैं क्या काम इनका, चलिए आइए देखते हैं फटाफट। काम काम इनका है कि ईटीएफ्स आपको आना चाहिए, प्रोकैन आना चाहिए, ठीक है। कैड ऑटो कैड डिजाइनर का काम है, ईटीएफ्स आना चाहिए, एटलीस्ट टैड ऑटो कैड और ईटीएफ्स तो आना ही आना चाहिए अगर आप इनके यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो। और अप्लाई करने का डायरेक्ट मेल आईडी दिया है, क्या टेंशन है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए बिना किसी टेंशन के। तो ये ओपनिंग है। इसके बाद इस नेक्स्ट ओपनिंग जो है वो साइट इंजीनियर के लिए, मैंने सोचा एक तो साइट इंजीनियर के लिए बताता हूँ, कुछ लोग हो सकता है साइट इंजीनियर के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आपको साइट इंजीनियर के लिए भी ओपनिंग चाहिए तो नीचे कमेंट करना गाइस, हम साइट इंजीनियर्स के लिए भी आपको ओपनिंग शेयर करेंगे। बहुत ढेर सारी साइट इंजीनियर की पता है आपको, बहुत ओपनिंग्स रहती है, ठीक है। मेरे पास खुद ही बहुत से ओपनिंग्स आती हैं, आप बोलोगे तो मैं साइट इंजीनियर्स की ओपनिंग्स शेयर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट जो कंपनी है वो लास्ट है आपके लिए, कैपस्टोन्स के लिए ही, रेबिट स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की इनकी प्रोफाइल है। कितने किसके लिए है, रेबिट स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर की प्रोफाइल है। आई थिंक ये ओपनिंग्स रिपीट हो गया है, बट ये ओपनिंग्स काफी अच्छी है, तो कैपस्टोन्स में जरूर से जरूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। मेरा काम आपको कैसा लगा, ये सीरीज को मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, नीचे फीडबैक जरूर शेयर करना, और साथ ही साथ हो सके तो इसको हो क्यों सके कर ही सकते हो, शेयर बटन पे क्लिक करके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो सिविल का ग्रुप हो व्हाट्सएप का, उसमें शेयर कर देना। ये ओपनिंग हो सकता है आपके जरूरत की ना हो, किसी और की जरूरत को हो, उसके साथ ही साथ हो सके तो उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देना, तो जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं देखेंगे तो उनको लगेगा यार मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और सबसे बड़ी बात ये कि आप चाहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊं तो नीचे कमेंट करना, आने वाले वीडियोस में हो सकता है फ्रीलांसिंग के बारे में बनाया जाए।